जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा जेजेपी की जुलाना रैली को भरपूर जनसमर्थन मिला है और जो लोग कहते थे कि जाटलैंड या उस लोकसभा में दुष्यंत चौटाला कमजोर हो गए हैं उन लोगों को भी रैली को देखकर जवाब मिल गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने कहा हर पार्टी के नेता अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़वाना चाहती हैं, हम भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है जेजेपी का सरकार के साथ 5 साल का गठबंधन है जो ठीक चल रहा है। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा दुष्यंत चौटाला को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है, जुलाना की रैली में ये सब ने देखा और यही वजह है 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और इसका फैसला प्रदेश की जनता करेगी। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती सीकर में मनाई जाएगी क्योंकि सीकर भी उनकी कर्मस्थली रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जुलाना में रैली हुई और इस रैली को 2024 की तैयारियों का आगाज भी कहा जा सकता है। रैली किस तरह से रही, कितनी उम्मीदों पर खड़ी होती है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी से बात करते हैं। अनिवार्य सर, जो रैली हुई कितनी खुशी रैली से, कितनी उम्मीदें थी, कितने लोग वहां पहुंचे? विशालतम रैली, ऐसी रैली हुई जिसकी चर्चा प्रदेश के कोने कोने, आम कार्यकर्ता में नहीं आम जनमानस के अंदर, जब भूखे पर टीवी पर अखबार पर करके जो चर्चा कर रहा है इस रैली की चर्चा, जिसने मोबाइल पर ये रैली देखी वो जहां बीजेपी से प्रभावित हुआ है, दुष्यंत जी की बातें सुनकर प्रभावित हुआ है, वहीं विरोधियों की नींद उड़ाने वाली है। इस रैली के लोग आपने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि जनता जनता पार्टी या दुष्यंत चौटाला उस इलाके में कमजोर हो चुके हैं, कांग्रेस ने एक प्रचार चला दिया था और एक आम चर्चा चला दी थी कि जहां दुष्यंत जी मजबूत हैं या जहां से आए थे वहीं कमजोर हो गए। बाप बेटा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात की आमतौर पर चर्चा ही करते रहते और कोई दूसरा काम नहीं। कल बांगर के लोगों ने और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दुष्यंत जी को अपना आशीर्वाद देकर और जेजेपी में आस्था जता करके ऐसे लोगों की जबान पर ताला लगा। जिस तरह भाजपा ने जून के महीने में 9 रैलियां, अब आपकी रैली जुलाना में हुई है, तो क्या आप जनता जनता पार्टी की रैलियों पर शुरू करने जा रहे हैं? हम अगली रैली गंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जल्द अनाउंस करेंगे, उसके बाद इनसो का हमारा 6 अगस्त का कार्यक्रम है वो करेंगे और उसके पश्चात आगे चुनाव के लिए रणनीति क्या है, खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से भाजपा नेताओं के बयान आते हैं, 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता जनता पार्टी क्या करेंगे? सभी पार्टियों को अपनी पूरी तैयारी करने का अधिकार है, बीजेपी जेजेपी या कांग्रेस सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, सिनेरियो में ये रैलियां हो रही हैं, जिसके साथ सिरों की गिनती ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी, उम्र। आपको एक बयान आया था 2024 में दुष्यंत चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या आपका बयान भी उन 18 महावर ने जगह गठबंधन पर? गठबंधन तो सरकार का है, 5 साल चलेगा उसको दोहराएंगे। और इस बयान लग रहा मैं मजबूती से फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता चाहती है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मैं तो कह के आपके इस पे कैमरे पे कह दूंगा, उससे कहने से कुछ नहीं होता। हरियाणा की जनता चाहती है कि दुष्यंत जी को अवसर मिला, मगर वो अधूरा अवसर है, क्या हम इस नौजवान को पूरा एक बार अजमा लें, ये आम जनता की भावना है। हरियाणा के अलावा राजस्थान में पार्टी के नेता जा रहे हैं और वहां पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, राजस्थान की ओर पार्टी बढ़ रही है, निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं और कल दुष्यंत जी की कोटपुतली की सभा इस बात का प्रमाण साबित करती है, इतने हजारों की संख्या में लोग और जो उत्साह वहां के लोगों में था कि बीजेपी को वहां के लोगों ने एक्सेप्ट करा और बिल्कुल खोल के। हरियाणा में 25 सितंबर को रैली भी आती है, जनता जनता पार्टी ने पहले की है, इनारो भी पहले से करती है, हालांकि इनारो किस बार चौधरी देवीलाल जी की कर्मस्थली सीकर भी रही है और वैसे तो वो पूरे देश के नेता थे और देश का हर किसान उन्हें अपना नेता मानता है, मगर सीकर के लोग भी उनको अपना मानते हैं और क्योंकि राजस्थान के लोगों का वह जुड़ाव है, राजस्थान के लोगों की इच्छा थी कि इस बार रैली वहां हो तो हमने 25 सितंबर वहां मनाने का फैसला। पांच को होता है सैटरडे था तो हमने कि ऐसा समय है जब कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ और एंट्रेंसेस का चल रहा है, तो इसलिए हमने 6 अगस्त जनता जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने रैली को लेकर कहा कि रैली में भारी जनसमर्थन पार्टी को मिला है और इसको लेकर चुनाव की रणनीति है, हालांकि वो भी तैयार करने शुरू हो गई है, लेकिन गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन 5 साल का सरकार के साथ है, सफलतापूर्वक पूरा भी किया जाएगा, हालांकि चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, भविष्य बेहतर रहेगा। जर्नलिस्ट विजय राणा जी मिल जाएंगे।